हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक राठौड़ है। मैं ऑस्कर फाउंडेशन से हूँ। आज मैं आप सबके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये कोविड की सिचुएशन में, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे कम्युनिटीज़ में विज़िट किया, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में हमने बहुत सारे काम किया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सैनिटरी पैड, फूड, बच्चों के एजुकेशन किट को लेकर, तो काफ़ी सारे इवन हम लोग ने बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन किया कोविड वैक्सीन हेजिटेशन को लेकर। तो इस दौरान मैंने अभी एक जो कफरेट कुलाबा में बहुत सारे स्लम्स है, लोग स्लम बोलते हैं, मैं कम्युनिटी बोलता हूँ, तो कम्युनिटीज़ है जो लो इनकम कम्युनिटीज़, और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग है यहाँ इन जो कम्युनिटीज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर लोग ससून डॉक जो बहुत पुराना और बहुत बड़ा फिशिंग मार्केट है मुंबई में, वहाँ पर काम करते हैं। और वो जो ससून डॉक पे है वो डेली 5,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, बोट ओनर से लेके बोट में जो फिशरमैन है वो, फिर लेबरर है, फिर वीमेंस है जो प्रॉन्स पीलिंग करते हैं, और फिर जो ट्रक ड्राइवर्स है, आइस कैरी करते हैं लोग, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होता है। और बहुत ही वाइब्रेंट जगह है वो, मैं वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इन मुंबई, और मैंने उसको काफ़ी बचपन से देखते आ रहा हूँ उस जगह को। तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस लॉकडाउन में वो बंद होने के वजह से इतनी लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उनके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। वो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खाना खाने के लिए, वह घर में इनकम नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे असर हो रहा है, स्पेशली लड़कियों पे काफ़ी असर हो रहा है, उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, घर का भी, घर में भी उनके फैमिलीज़ को मदद करनी पड़ रही है, तो पूरा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। ये तो ये जस्ट मैं अपना दर्द या अपने जो फीलिंग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी के बारे में बहुत लोग वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि गरीब है, बट ये बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है, मेहनत करती है, पैसा कमाती है, और अपना परिवार को वो लोग चलाते हैं, कभी किसी के ऊपर वो लोग डिपेंड नहीं रहते हैं, डे टू डे काम करते हैं और इस तरह से। बट इनका सबसे डिफ़िकल्ट जो फेस है, जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो है जून मंथ से लेके अगस्त मंथ तक का। ससून डॉक हर साल दो से तीन महीने के लिए बंद होता है जून से अगस्त के बीच में। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत हैवी बारिश होती है और समंदर बिल्कुल सेफ नहीं होता है मछलियों को पकड़ने के लिए, और दूसरा है कि मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है, और इस वजह से ऑफिशियली ससून डॉक को बंद रखा जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फैमिलीज़ है ये पूरा साल भर करीबन आठ महीने वो लोग अपना पैसा कमाते हैं और वो सेविंग में रखते हैं, और ये तीन महीने जो ससून डॉक बंद होता है उस वक्त वो लोग अपना सेविंग खर्च करते हैं। बट आप तो 2020 में मार्च में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, और फिर धीरे धीरे जब अनलॉकडाउन हो रहा था तो वो भी जून जुलाई मंथ में ही हो रहा था, जिस वक्त ऑलरेडी ससून डॉक बंद था, तो उनके लिए और दिक्कत, चैलेंजिंग ये हो रहा था, दिक्कत मुसीबत बहुत सारी आने लगी और वो बढ़ते गया। तो ये आप और ये अभी पूरा साल भर ऐसे ही ये माहौल रहा, तो जिस वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये सब सरकमस्टेंस हमने सोचा, ऑस्कर फाउंडेशन ने रियलाइज़ किया और हमने उनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट किया। पिछले साल 3,500 फैमिलीज़ को इस बार हम लोग ने
करीबन 4,500 फैमिलीज को हम लोग सपोर्ट किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है और आप सब लोग ऑस्कर फाउंडेशन के साथ जुड़े और हम सब ये सारा चीज़ सपोर्ट किया और हमने इन फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। तो आप सबको थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।